हाय एवरीवन, आई होप आपने मेरे बेसन के लड्डू की रेसिपी ट्राई की होगी और आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आज हम एक नई मिठाई बनाते हैं जिसका नाम है गुजिया। मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने होली दिवाली इन दोनों त्योहारों पे ये बहुत खाई है और मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए देख लेते हैं गुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, ये मैंने 1/4 कप घी लिया है जिसे हम मैदा में डालेंगे, और ये मैंने गुनगुना पानी लिया है 1 कप। इन तीनों से हम अपना मैदे का डो बनाएंगे। और स्टफिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है, ये सूजी है 3/4 कप, शुगर भी 3/4 कप ही लेना है, और ये मैंने काजू और बादाम पहले रोस्ट किए हैं उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया है, ये करीब आधी कटोरी लग जाएंगे। और ये मैंने घी लिया है, जितना आप सूजी लेंगे उससे 1/4 आप घी लीजिए इसे भुनने के लिए। मैं आपको 2 तरह की स्टफिंग वाली गुजिया बताऊंगी, एक तो सूजी की जो हम बनाएंगे, और ये सेम मेथड से हम नारियल की भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए डो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मैदा 2 कप लिया है, इसमें मैं 1/4 कप घी डाल दूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैदे में। ये देखिए घी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने मैदे में, और ये बहुत पुराना स्टाइल है ये देखने का कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है कि नहीं। अगर आपका इस तरह से लड्डू बनने लगे मैदे में, इसका मतलब आपकी क्वांटिटी भी घी की मैदे में सही है और ये अच्छी तरह मिक्स भी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें ये डो है वो हमें थोड़ा सख्त बनाना है, हार्ड बनाना है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और इसे डो को समेटेंगे। ये देखिए मैं बहुत कम कम पानी डाल रही हूँ, और ये आटा हमें इस तरह से सख्त बनाना है, क्योंकि गुजिया जो है हम बहुत दिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हफ्ते हफ्ते तक हम यूज़ कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रेपरेशन उसी हिसाब से करनी पड़ती है। ये देखिए डो बन के तैयार हो गया है, और ये इस तरीके का डो बनना चाहिए जिसे समेटने के लिए हमें ना तो घी की ज़रूरत पड़े ना सूखे मैदे की। ये देखिए सख्त डो है ये। अब हम इसे करीब 20 से 25 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तो चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म हो गई है, ये मैं घी डाल रही हूँ। इसकी जगह आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी की स्मेल और अच्छी आती है। यह हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें रवा डाल देंगे और इसे लो मीडियम गैस पे रोस्ट करेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। तो ये देखिए सूजी का कलर बदल गया है और इसमें से अच्छी सी महक भी आने लगी है भुनने की। अब हम इसमें थोड़ा गैस कम करेंगे, पहले लो फ्लेम पे शुगर डाल देंगे, इसके साथ इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है रवा में। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, ये भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे।
हमारी ये सूजी की स्टफिंग तैयार हो गई है। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल हैं। क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है इसके लिए हम ये स्टफिंग दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिससे ये ठंडी हो जाए। तो दोस्तों ठंडी होने के बाद ये देखिए सूजी की स्टफिंग ऐसे तैयार हो गई है। और ये सेम वे में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था नारियल की स्टफिंग है। इसमें मैंने बहुत कुछ नहीं डाला है, नारियल को पहले वैसे ही रोस्ट किया है, रोस्ट कर लीजिए या घी में जैसे इसे फ्राई किया था वैसे कर लीजिए। और इसमें शुगर डाल दीजिए और इलायची पाउडर अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। इस तरह से नारियल अपने आप में बहुत टेस्टी होता है, इसे भी आप स्टफ़ कर सकते हैं, इसकी गुजिया भी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए हमारा ये आटा भी सेट हो चुका है। देखिए यह हार्ड है, बहुत सॉफ्ट नहीं है। अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। अब हम क्योंकि हमारा डो बन के तैयार है, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं इस तरह से। और इन्हें हम ऐसे जैसे हम रोटी बनाते समय करते हैं इस तरह से गोल कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने बॉल्स को बना लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी पूड़ी बनाएंगे। आप जहाँ बेल रहे हो वहाँ थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा, सॉरी आटा नहीं लगाना है, मैदा लगाना है क्योंकि हम मैदे की पूड़ी बना रहे हैं। अब इसे धीरे धीरे राइट हैंड पे थोड़ा फोर्स करके बेलना शुरू करिए और इसे आप जितना पतला कर पाएं उतना करिए। ये देखिए इस तरह से हम इसकी पूड़ी थोड़ी पतली बेलते हैं। ये हमारी पूड़ी बन गई है। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे स्टफ़ कैसे करेंगे। ये हमारी पूड़ी तैयार है। अब हम इसमें करीब 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है नहीं तो कई बार ये फट भी जाती है, बीच में डालना है। वैसे अगर फैल जाए तो इसे थोड़ा हाथों से समेट दीजिए। एक साइड से पूड़ी उठा के और इसके लिए आप थोड़ा सा पानी में उंगली डाल के इसके कॉर्नर सबसे पहले थोड़े गीले कर लीजिए क्योंकि हमें इसे चिपकाना होगा जिससे ये खुल ना जाए जब हम इसे फ्राई करें। ये मैंने सब तरफ पानी लगा लिया है। अब मैं इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रख दूँगी। कई लोग इसके लिए सांचा भी यूज़ करते हैं, मेरे पास सांचा नहीं है तो मैं इस तरह से आपका मैंने ये गुजिया को हर तरफ से प्रेस कर दिया है। और हमें अगर थोड़ा सा इसे डिज़ाइन देना है, दिखने में अच्छी लगनी है तो हम इस तरह से फोक से ऐसे भी कर सकते हैं। ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और ये गुजिया के कॉर्नर्स लॉक भी कर देगी। ये हमारी रवा स्टफ्ड गुजिया है, इसे हमने यहाँ तैयार करके रख देते हैं। चलिए अब मैं आपको नारियल की स्टफिंग वाली गुजिया बताती हूँ। इसे भी हमें सेम वैसे ही पूड़ी को बेलना है। ये दूसरी पूड़ी तैयार है। अब मैं इसमें नारियल के स्टफिंग डालूँगी। 1 से 1.5 टीस्पून आप डाल सकते हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, कॉर्नर्स पे, सब कॉर्नर्स पे पानी लगाना। पूरी के सब तरफ आपको इस तरह से उंगली से पानी लगाना है, क्योंकि इसे हमें चिपकाना होता है अच्छी तरह। ये देखिए, अगर आपके पास सांचा है तो आप और आराम से इसे कर सकते हैं। अब एक ये दूसरा तरीका है, अगर मुझे कॉर्नर्स को थोड़ा और अच्छा करना है, एक तो फोक से कर सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से मोड़ भी सकते हैं। ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है सीखने के बाद। ये देखिए, एक अलग डिज़ाइन बन जाती है जो दिखने में प्लेट में रखते समय बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी रवा स्टफिंग गुजिया है और ये हमारी नारियल स्टफिंग गुजिया है। तो इस तरह से हम गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। अब चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप है इसे सेकना। ये हमारा घी गरम हो गया है, अब हम इसे हल्के से गुजिया डाल देंगे। एक साथ बहुत सारी गुजिया नहीं डालनी है। इसे हल्के हल्के गुलाबी हो जाए तब तक सेकना है। ये देखिए, तेल सही टेम्परेचर पे गरम होना चाहिए, नहीं तो गुजिया कच्ची भी रह सकती हैं। ये देखिए, इसमें पिंक स्पॉट्स आ गए हैं। अगर आपको थोड़ी और गुलाबी चाहिए तो आप थोड़ी और गुलाबी कर सकते हैं। ये हमारी गुजिया तैयार हो गई है, हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारी ये गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।